I came to this Gadijo first time, and I felt that I was missing this type of services from the people. I have been going to the various startups which are working in automobile, but the best service which I found is from this 39 sector Gadijo, and this Mr. Yogesh and Mr. Kapil both were very cooperative. At the same time, the technician, although it is a Ramadan month, but they were supposed to go for iftar and all those things, but they took this job, and they did a job of 3 hours, 2.5 to 3 hours job in less than 1 hour, or rather 1 hour I can say, and that too also perfectly. I am satisfied with the services, and I feel that in future also I will come here. एयर फिल्टर की कंडीशन देख सकते हो कितनी बेकार हो चुकी है. लगता है काफी लंबे टाइम से कार की सर्विस नहीं हुई है, इस वजह से इसका जो एयर फिल्टर है काफी डैमेज हो चुका है. मैं आपको हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम फ्रॉम गाड़ी जोशी. तो आज हमारे पास आ रखी है फेट की लीनिया. इस कार की हम करने वाले जर्नल सर्विस. आपको फेट की लीनिया की जो सर्विस है, इसकी जो कॉस्ट है वो मार्केट में काफी कॉस्टली है, बट हमारे यहाँ पे काफी सस्ती है. ये भी मैं आपको अपनी वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इसकी जो सर्विस की जो कॉस्ट है वो कितनी है, और हमने इसकी सर्विस के साथ क्या क्या ऑफर्स दिए हैं. हम रियर के व्हील को चेक कर रहे हैं. जो व्हील का जो बैरिंग होता है उसके अंदर कई बार बैरिंग खराब होने पे काफी साउंड आता है, और ये एक बार हम इसका सस्पेंशन की जो प्ले है वो चेक कर रहे हैं, कहीं गोली के अंदर प्ले तो नहीं है. स्टेयरिंग के जो वाल जॉइंट होते हैं उनके अंदर कोई प्ले तो नहीं है. करते हैं प्रॉपर तरीके से कि कार के सस्पेंशन के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है. ऑयल को ड्रेन करते हैं फटाफट से, और ऑयल फिल्टर को भी चेंज करते हैं इसके. ये इसका पुराना ऑयल फिल्टर है, इसका न्यू ऑयल फिल्टर है. ऑयल फिल्टर को लगाने से पहले एक बार थोड़ा सा ऑयल जरूर लगा लेना चाहिए, क्योंकि कई बार सूखा होने की वजह से ऑयल फिल्टर लीक हो जाता है. ओहो, एयर फिल्टर की कंडीशन देख सकते हो कितनी बेकार हो चुकी है. लगता है काफी लंबे टाइम से कार की सर्विस नहीं हुई है, इस वजह से इसका जो एयर फिल्टर है काफी डैमेज हो चुका है. मैं आपको नया एयर फिल्टर दिखाऊंगा. ये इसका नया एयर फिल्टर है MGP वाला. इसको लगाने से पहले एक बार इस बॉक्स को क्लीन कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, फिर एयर फिल्टर को इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे. ये पुराना वाला है, ये नया वाला है. ये हम इसके स्पार्क प्लग खोल के चेक कर लेते हैं, क्योंकि स्पार्क प्लग सबसे मेजर होते हैं कार की सर्विस के लिए. स्पार्क प्लग इसके बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके स्पार्क प्लग को के अंदर, अभी भी काफी चलेंगे स्पार्क प्लग इसके. की ग्रेविटी को चेक कर रहे हैं, ग्रेविटी इसकी बिल्कुल भी नहीं है, चेंज होने की रिक्वायरमेंट है इसकी. अभी आप देख सकते हो ये पूरा है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है बैटरी के अंदर. ये हम इसके अंदर कैस्ट्रोल का इंजन ऑयल डाल रहे हैं 5W30 मैग्नेटिक. ये एक बार हम इसका पावर स्टीयरिंग ऑयल चेक कर रहे हैं, ऑयल के अंदर ग्रेविटी कितनी है वो भी ठीक है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके ऑयल में. ये इसके फ्रंट के ब्रेक पैड हम प्रॉपर तरीके से क्लीन करते हैं, क्योंकि ब्रेक पैड इसके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. ब्रेक शू भी इसके बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. इनको भी हम प्रॉपर तरीके से क्लीन करेंगे और दोबारा से फिट करेंगे.
फाइनली सर्विस पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप मेरी ऐसी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करते रहे ताकि मैं आपको ऐसी सर्विस की वीडियोस दिखाता रहूं।